नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां उसका बाजार के गौशाला परम महारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा और योग दिवस द्वारा कैंप लगाकर निःशुल्क दवा वितरण किया गया। जिले में लगभग 500 गांव बाढ़ से प्रभावित थे। राहत की बात यह है कि बूढ़ी और बूढ़ी राप्ती का जलस्तर कम होने लगा है। एक तरफ तो बाढ़ का पानी कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को महामारी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक दवा निःशुल्क वितरण की जा रही है। डॉक्टर अरविंद नाथ पांडे ने बताया कि बाढ़ का पानी हटने से खांसी, बुखार और महामारी जैसी बीमारी फैलने लगेगी, इसलिए कैंप लगा करके निःशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है। आयुर्वेदिक द्वारा कैंप आयुर्वेद क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 21/10/2022 को उसका बाजार परसा गौशाला उसका बाजार में कैंप लगाया गया है, जो बाढ़ क्षेत्र में आता है। यहाँ पे बाढ़ के बाद जो सर्दी जुकाम बुखार और अन्य जो उससे आते हैं जल जन बीमारियां जो आती हैं उसके उसको ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक कैंप लगाया गया है, जिसमें खबर फरुखाबाद से है, जहां मजदूर युवक को पेड़ से बांध करके महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई की। बताया जा रहा है कि एक घंटे तक मजदूर युवक को पेड़ से बांध करके चप्पलों से पीटा गया। मजदूर युवक ने पीने के लिए पानी मांगा तो उसे मजदूर को जूते से भरकर शराब पिलाई गई। मानवता को शर्मसार करने वाली 2 मिनट की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये पूरा मामला कंपिल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर फरुखाबाद से है, जहां ट्रक और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक और कार की भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं इस घटना में कार में बैठी 4 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। अस्पताल ले जाते समय इसमें 3 युवकों की मौत हो गई। ये पूरा मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के इटावा बरेली हाईवे का बताया जा रहा है। हरदोई में एक मारपीट के मामले में सूचना और विवाद रोकने पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की गई है। मारपीट की गई, जिसके बाद दौड़ाकर सिपाहियों ने अपनी जान बचाई। इसी हमले में एक महिला सिपाही, पुरुष सिपाही घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है और भर्ती कराया गया है। वहीं एक ग्रामीण महिला भी पिटाई में घायल हो गई है। पुलिस पर हमले की सूचना पाकर CUCT व अन्य जिला अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली। के साथ बदतमीजी की गई, हमने कहा कि महिला कांस्टेबल की आप बदतमीजी कर रहे हैं, महिला से बात करने की समीक्षा है। उसने बताया कि मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। धमकी देने लगे, आगे हम लोगों 500 मीटर तक दौड़ाते रहे, किसी तरह जान बचाकर हम लोग वहां से भागे। शाम लगभग वही 7:30 बजे के आसपास गोदाई गाँव में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी। दोनों पक्ष द्वारा 100 डायल को सूचना दी गई। दोनों पक्ष के सूचना पर इवेंट पर PRB 2714 और 2730 दोनों गाड़ियां आगे पीछे पहुंची। उसमें जो मजरूह पक्ष था, एक महिला घायल थी, उसको PRB के जवान ले आ रहे थे, और ले आने के बाद गांव के कुछ लोग और महिला मिलकर के, इनका कहना है कि इनके साथ बदतमीजी किए, हाथापाई किए, तो इनसे तहरीर ले करके बाकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र के अंतिम छोर पर स्थित शक्तिपीठ मां ज्वाला देवी प्राचीन मंदिर में स्थापित अखंड ज्योति की 10वें स्थापना दिवस पर 12 गरीब परिवार के जोड़ों की शादी धूमधाम से कराई गई। मंदिर के मुख्य पुजारी श्लोक प्रसाद मिश्र ने बताया कि प्राचीन शक्तिपीठ में 10 वर्ष पूर्व कांगड़ा ज्वाला देवी से अखंड ज्योति ला करके यहां स्थापना की गई। मंदिर परिसर में लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। 2016 से शुरू की गई गरीब परिवार के बालिकाओं की शादी अनवरत जारी है
और अब तक 85 जोड़ों का सफल शादी संपन्न किया गया है। खबर गोरखपुर से है, जहां विकास का मॉडल बना वनटंगिया गांव। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तभी उन्होंने वनटंगिया गांव को गोद लिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस गांव के विकास पर पुरजोर ध्यान दिया। ये गांव आज़ादी के बाद से ही विलुप्त था। यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सांसद होते हुए भी इनके लिए कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन तत्कालीन सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो उन्होंने इस गांव को और यहां के लोगों के जनजीवन को सुधारने का भरसक प्रयास किया और आज ये गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि हर दीपावली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचते हैं और इस गाँव के लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं। वनटांगिया गांव में चिलबिलवा में चौपाल का कार्यक्रम था, उसमें हम गए हुए थे तो वहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि वनटांगिया में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पट्टे की जमीन दी गई है उसमें बड़े पैमाने पर निर्माण है। तो मैं जाके उसको स्थलीय निरीक्षण किया, देखा तो उसमें 15 फीट 20 फीट गड्ढे खनन माफियाओं द्वारा पट्टे की जमीन में और कुछ वन विभाग की और ग्राम समाज की भूमि में किए गए, जिसको मैंने पत्रक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और जिलाधिकारी महोदय को। चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लीलापुर में सड़क के किनारे बने नाले में मिला शव। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने पर आसपास के लोग वहां मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई कर रही है। ये शेरकुआ गांव के निवासी हैं शैलेंद्र कुमार भारती। ये परसों शाम से घर से मतलब गुमशुदा थे। कल शाम को इनके घर वालों ने थाने को सूचित किया था। आज इनकी डेड बॉडी जो है एनएच के किनारे नाले में दबी पाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हत्या करके लाश को छुपाया गया। परिवार वालों की तरफ से कोई तहरीर दी गई है? विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस आ गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 3 दिन पूर्व गायब हुए एक बच्चे का शव तालाब में मिला है। बच्चे का शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि परिजनों ने पुलिस से बच्चे के गायब होने की शिकायत भी की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच में जुटी है। ये पूरा मामला जायसा थाना क्षेत्र के मस्जिद के पास का है। जैस कस्बे में एक 8 साल का बच्चा अचानक गुम हुआ था। इनका सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कराकर 2 टीम गठित करके बच्चे के खोजने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन नहीं मिल पाया। आज सुबह लगभग 7:30 बजे वो घर का पास में एक तालाब है, उस तालाब से बच्चे का बॉडी मिला है। अभी पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बुलंदशहर के रिजर्व पुलिस लाइन में स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। अपने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की याद में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन हर साल किया जाता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह के साथ जिले के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। खबर बुलंदशहर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिले के तहसील अनूप शहर के अंतर्गत गहना गोवर्धनपुर में बनाए जा रहे 50 राजकीय एकत्रित आयुष चिकित्सालय का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं अपर मुख्य सचिव ने ड्राइंग का अवलोकन करते हुए तैयार किए जा रहे चिकित्सालय भवन निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी ली।
खबर श्रावस्ती से है, जहां पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 264 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां दीपावली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दीपावली के त्यौहार की धूम शहर में नजर आने लगी है। वहीं आतिशबाजी को लेकर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने आतिशबाजी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपील करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आतिशबाजी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों से मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने अपील की है कि जो भी ठेकेदार लोग हैं वो ये सुनिश्चित कर लें कि जो आतिशबाजी की दुकान है वो नियमों के अनुसार लगाएं, दो दुकानों के बीच में दूरी रखें, दुकानों में फायर सेफ्टी के उपकरण भी लगाएं। हम अपने मोटर टायर इंजन महेश का आपके रखी। उससे पूर्व आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी ठेकेदार लोग हैं, जो इसमें टेंडर जिसका इन्होंने प्राप्त किया है, वो ये सुनिश्चित करें कि जो आतिशबाजी की दुकानें हैं वो प्रॉपर एक्सक्लूसिव एक्ट के जो प्रोविजन है, जैसे जो दुकान है दुकान संकीर्ण लगाएं, दो दुकानों के बीच में 3 मीटर की दूरी रखें, फायर फाइटिंग के उपकरण जैसे एक्सटिंग्विशर रखें, बालू रखें, पानी रखें, तथा जो वहाँ पर कार्य करने वाले व्यवसाय जो करेंगे, जो मार्केटिंग करेंगे, उसमें कोई विकलांग बच्चे ना हो। बाराबंकी के देवा महोत्सव में देवा पुलिस पर आम जनमानस से अभद्रता और मारपीट के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वीआईपी और प्रेस पास लगी हुई गाड़ियों को जबरन नो एंट्री लिखा गया है। मेला समिति और सूचना विभाग द्वारा जारी किए गए पास लगे होने के बावजूद वाहनों को रोककर उनसे अभद्रता की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस की मौजूदगी में वैरियर हटा हटा कर चार पहिया से लेकर के दो पहिया वाहन को एंट्री दी जा रही थी। पुलिस के चेहरे पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाहन पास से ज़्यादा जरूरी पुलिस की सेटिंग गेटिंग ज़्यादा मायने रखती है। देवा महोत्सव में चारों तरफ आम जनमानस घंटों जाम में फंसे हुए थे, लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खबर जालौन से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल शराब की 1750 पेटियां लेकर के जा रहे कंटेनर अनियंत्रित होकर के पलट गया। कंटेनर पलटने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें शराब की सैकड़ों पेटियां नष्ट हो गई हैं। मौके पर पहुंची जालौन आबकारी पुलिस ने पहुंचकर सभी को ट्रक को कब्जे में लिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश से ग्वालियर लखनऊ जा रही थी शराब की ये ट्रक। चौबीस अक्टूबर को देश भर में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और इसमें अब सिर्फ 3 ही दिन शेष रह गए हैं। बाजारों में मिट्टी के दीयों से लेकर के चाइनीज दीपक मौजूद है। ऐसे में गोबर के से तैयार किए गए दिए लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। खबर औरैया जिले से है, यहां बिधुना कोतवाली क्षेत्र के बिजौरा गांव के पास स्कूल जा रही एक छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भाग रहे ट्रक को पुलिस ने ट्रक चालक समेत अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाइक सवार दो युवक नदी में गिरे, एक को ग्रामीणों ने सकुशल निकाला, दूसरे युवक का अभी भी पता नहीं चल सका है। लखीमपुर खीरी में सुबह यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें बाइक सवार दो युवक नदी में गिर गए, एक को सकुशल निकाल लिया गया है लेकिन एक अभी भी लापता है। कचहरी परिसर में दबंगों ने पेशी पर आए परिवार की लाठी डंडों से की मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र कचहरी परिसर का बताया जा रहा है।
दो दिनों के बाद दीपोत्सव का त्यौहार दीपावली आ रहा है, इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में रौनक दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुम्हार मिट्टी के दिए गढ़ करके मेहनत कर रहे हैं। इसी दिए से गांव और शहर जगमगाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद जगह जगह समाजवादी पार्टी के नेता और पदाधिकारी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज इसी मौके पर गोरखपुर में भी सपाइयों ने नेताजी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।